कौशल के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज विकी अपना 34वां यानी कि 34th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैटरीना कैफ से शादी के बाद आज विकी एज अ मैरिड मैन अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कैटरीना से शादी से पहले विकी का नाम कई बॉलीवुड हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्हें विकी कौशल डेट कर चुके हैं। कैटरीना कैफ के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले विकी कौशल हरलीन सेठी को डेट कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को पब्लिकली अनाउंस भी कर चुके थे। विकी और हरलीन का रिश्ता 2019 तक काफी स्ट्रांग था। विकी की फिल्म उरी के दौरान हरलीन ने काफी जोर शोर से अपने बॉयफ्रेंड की फिल्म का प्रमोशन भी किया था। हालांकि दोनों के स्वीट से रिश्ते में कब खटास आ गई किसी को पता ही नहीं चला और दोनों का ब्रेकअप हो गया। विकी कौशल का नाम मालविका मोहन के साथ भी अक्सर जुड़ता रहा है। दरअसल मालविका विकी कौशल की बचपन की दोस्त थी। ऐसे में कई बार दोनों का नाम एक साथ जोड़ा जा चुका है। मालविका मोहन और विकी कौशल की केमिस्ट्री देखकर फैंस को भी काफी शक होता था। डेटिंग के बारे में दोनों ने कभी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन दोनों की जोड़ी काफी स्वीट थी। लिस्ट में अगला नाम है बनीता संधू का। फिल्म सरदार उधम सिंह में बनीता संधू और विकी कौशल की जोड़ी नजर आई थी और इस दौरान दोनों की डेटिंग की खबरें काफी जोरों पर थी। हालांकि फिल्म के रिलीज के बाद दोनों को कभी साथ नहीं देखा गया। विकी कौशल की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट में तापसी पन्नू का नाम भी टॉप पर आता है। फिल्म मनमर्जिया के सेट पर विकी और तापसी एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और दोनों की डेटिंग की खबरें भी शुरू हो गई थी। हालांकि विकी और तापसी का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। इस लिस्ट में श्वेता त्रिपाठी का नाम भी शामिल है। 2015 में फिल्म मसान के सेट पर विकी कौशल और श्वेता त्रिपाठी काफी करीब आ गए थे। सेट पर दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे, हालांकि कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इस लिस्ट में मिसेस कपूर का नाम भी शामिल है। जी हाँ, रणबीर कपूर को डेट करने से पहले आलिया भट्ट का नाम विकी कौशल के साथ जोड़ा गया था। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि आलिया भट्ट और विकी कौशल रिलेशनशिप में रह चुके हैं, हालांकि इनका रिश्ता आगे नहीं चल पाया और दोनों ही अपने अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए। तो वहीं मिसेस आनंद आहूजा के साथ भी विकी कौशल का नाम जुड़ चुका है। खबरों की माने तो विकी कौशल अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर को भी दिल दे बैठे थे। एक समय ऐसा भी था जब विकी कौशल का नाम सोनम के साथ जोड़ा गया, बाद में पता चला कि दोनों अलग हो गए। इस लिस्ट में भूमि पेडनेकर का नाम भी शामिल है। फिल्म भूत द हॉन्टेड शिप में विकी कौशल और भूमि पेडनेकर की जोड़ी नजर आई थी। इस फिल्म के सेट पर ही दोनों ने साथ रहने की कस्में खाई। माना जाता है कि भूमि पेडनेकर विकी से शादी करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त विकी शादी के लिए तैयार नहीं थे और इस बात के चलते दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। काफी हसीनाओं का दिल तोड़ने के बाद विकी कौशल ने अपनी क्रश कैटरीना कैफ के साथ शादी की। आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही विकी कौशल कैटरीना कैफ को काफी चाहते थे। यहाँ तक कि जब एक्टिंग स्कूल में उन्हें रोमांटिक सीन करने को कहा जाता था तो वे कैमरे को कैटरीना कैफ मानकर उनके साथ रोमांस करते थे और कैमरे के साथ कैटरीना कैफ के गाने तेरी ओर पर परफॉर्म करते थे। माना जाता है कि कैटरीना कैफ उनकी फेवरेट हीरोइन थी और वो उन्हें काफी पसंद करती थी। किसी भी फिल्म में साथ काम न करने के बावजूद विकी कौशल और कैटरीना कैफ साथ हो गए। दरअसल कॉफी विद करण में कैटरीना कैफ से जब पूछा गया कि वे किसके साथ काम करना पसंद करेगी तो उन्होंने विकी का नाम लिया और जब करण जौहर ने ये बात विकी को बताई तो वे तो खुशी के मारे बेहोशी हो गई। इस तरह से कैटरीना और विकी कौशल की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। आखिरकार दोनों ने 9 दिसंबर को शादी रचा ली। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।